अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर आज भी लोकसभा में भारी हंगामा, दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। तो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, याद विषय कंस्पिरेसी, मैं प्रयास अवसर। लोकसभा में राहुल गांधी बोले, लखीमपुर कांड में शामिल मंत्री को हटाना चाहिए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बवाल, विपक्ष ने वेल में उतरकर किया प्रदर्शन। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टेनी को हटाना चाहिए। एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद वो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना ने भी की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, अब तो एसआईटी रिपोर्ट में भी साजिश की बात सामने आ गई है। सवाल कर रहे हैं कि आप उन्हें बर्खास्त करिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया तो ये गंगा स्नान फेल हो गया। लखीमपुर हिंसा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, इस्तीफे पर हमारा रुख साफ है। सस्पेंशन करके हमारा स्टैंड क्लियर है। सवाल पूछने पर पत्रकार से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग, लेकिन बड़ा सवाल, कब होगा टेनी पर एक्शन? पत्रकार के साथ बदसलूकी पर अजय मिश्रा से पार्टी नाराज, सूत्रों के हवाले से खबर, आगे की कार्रवाई होगी या नहीं इस पर पीएम फैसला लेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा। बीजेपी का कहना है, जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच चल रही है तो वो जांच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी की गाली गलौज से नाराज पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 47% लोग मान रहे हैं यूपी में बीजेपी ही दोबारा सत्ता में आएगी। 31% लोग मानते हैं एसपी सरकार बनाएगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीते 10 दिनों में मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता में गिरावट, योगी के कामकाज को खराब बताने वाले भी बढ़े। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, योगी सरकार ने महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का ग्राम प्रधानों को तोहफा, वेतन 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीना किया, जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी 15,500 रुपए की। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी दाव, कहा सरकार बनी तो युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन के साथ तस्वीर ट्वीट की, लिखा संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। पंजाब चुनाव में बड़ी हलचल, बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींसा के बीच गठबंधन करीब तय, जल्द हो सकता है ऐलान। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।